रैम्बो होगा, देख लूंगा उसको। जुआ खाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सुना आपने, दिल्ली के किरारी क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज चुनाव से पहले और चुने जाने के तुरंत बाद तक इलाके में बड़े पैमाने पर चल रहे जुए और सट्टे के अड्डों के खिलाफ ऐसे ही तेवर के साथ दिखाई देते थे। जुआ खाना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन अब वो सट्टा माफिया और पुलिस के साथ सेटिंग करने की बात करते दिखाई दे रहे हैं। थाना और चौक से क्या करें? क्या इनसे ये सारी चीज? ये तो फैक्ट है, देखिए 100 से ज्यादा जुआ खाना चल रहा है, चल रहा है। सासी है, थाना वाले कब तक इनसे झगड़ा करेंगे? काम सारे हो रहे, नुकसान ना होता है। लेकिन बात ये है ना कि उसमें थोड़ा हम कह रहा हूँ ना, किसी भी तरीके से वॉलंटियर को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि शोर तो वो ही मचा रहे हैं ना इन चीज़ों के लिए। शोर नहीं मचाएंगे ना इस बार, वो हम मचा इसलिए रहेंगे कि हमने उनको वो कर रखा है, हमने मतलब कि अभी तक हमने इन चीज़ों का एक्शन लिया है। जब हम उनको ये कन्विंस कर देंगे कि नहीं हमारे लिए पानी प्रायोरिटी है, हमारे लिए सड़क प्रायोरिटी है, हमारे लिए अभी जन कल्याण के काम कर रहे हैं, तो उनको उनका ध्यान डाइवर्ट। और जो मान लीजिए पब्लिकली ये सब चीज़ें गड़बड़ी करेगा है ना, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन है, उसको करेंगे कार्रवाई। बीच में हर 3 महीना में एक कार्रवाई बड़ी कर देंगे, 10 दिन के लिए जुड़े बंद। तो इससे इसको बुला लेते हैं, इससे ऐसे चुप हो आप बुला लो, मेरा मिला नहीं। मैंने तो बहुत गालियाँ होती है ना आपको बैठा के उसको कर सकते बात समझ रहे हैं। ये सब में क्या है कि हम लोग ना किसी सट्टा वाले से कॉन्टेक्ट करते हैं, पूरा थाना सीधा नहीं, सीधा थाना से अपनी जी। मैं वही कह रहा हूँ ना, ये मूर्खता कर रहे हैं ना, जो सीधे एक्सपोज हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर इनको कोई बात ही करनी थी तो उसी पूरा थाना चेक कर लीजिए, ठीक है? इसको बुला लेते हैं एक बार, ऐसे तो को भी ना को भी उसको बोल, साले 4 महीने के लिए छोड़ दिया, ठीक है? पूरा थाना चेक। जी हाँ, ये है आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज का असली चेहरा। दिल्ली दर्पण टीवी को मिले इस वीडियो स्टिंग में ऋतुराज इलाके के ही एक पूर्व पार्षद से बात कर रहे हैं। इस स्टिंग में विधायक साहब पूरे पुलिस थाने को सेट करने की बात तो कर ही रहे हैं, साथ ही दिल्ली में एक थाने के एसएचओ को साथ मिलाकर बहुत बड़े लेवल पर सट्टा कारोबार चलवाने की तैयारी भी करते दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, डिजाइन कर अपना लाइसेंस वाइसेंस भी बनवा लिया है, काम करेंगे बड़े लेवल पर, छोटा काम नहीं करेंगे। ठीक है, अरे चलवा होना चाहिए, राजनीति लाइस चूचिया काम नहीं करना है, एस एच ओ को रखेंगे अपना नेशनल सिक्योरिटी का। ये सुपर स्टार है इसकी तो अभी मेरे ख्याल में एज भी ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा एज भी नहीं है, पूरी नौकरी है, पर बिहार में पेट्रोल पंप वगैरह है हमारे, अच्छे खासी का सामना है। इसका इंटरेस्ट नहीं है, काम कहाँ करता है वो थाने में, होता ही नहीं है। कभी जहाँ साहब के यहाँ होता है, कभी हमारे पास होता है। वो तो कब से बेचारा परेशान था, 1 साल से मुझे बोल रहा हूँ नौकरी छोड़ूंगा, आपके साथ काम करूँगा, राजनीति शौक है। तो मैंने बोला तू भाई, और अभी जो है मैंने बोला भी नहीं, अपने आप ही कर दिया। इस वीडियो स्टिंग ने आम आदमी पार्टी के एक और विधायक की करनी और कथनी की पोल खोल दी है। किराड़ी में जुए और सट्टे के अड्डों को बंद कराने के वादे के साथ चुनाव जीतकर आए ऋतुराज चुनाव जीतने के 2 साल बाद किसी को ये समझाते नजर आ रहे हैं कि कैसे सेटिंग करनी है। यह बातचीत बड़ी लंबी है। इसमें विधायक यह भी कह रहे हैं कि वे अपने उन वॉलेंटियर्स को क्या जवाब देंगे जिन्हें जुए और सट्टा माफिया के खिलाफ अभियान में लगा रखा है, उन्हें बड़ी सफाई से ये अन्य मुद्दों की तरफ घुमा देंगे और पुलिस से कहेंगे कि वो भी मौज करें और विधायक भी मौज करें। 4 महीने तक कोई हंगामा नहीं होगा। पुलिस को किस फॉर्मूले से समझाना है यह भी इशारा कर रहे हैं। लेकिन बात यह है ना कि उसमें थोड़ा हम कह रहा हूँ ना, किसी भी तरीके से वॉलंटियर को कन्विंस करना पड़ेगा, क्योंकि शोर तो वो ही मचा रहे हैं ना इन चीजों के लिए। शोर नहीं मचाएंगे ना इस बार, वो हम मचा इसलिए रहेंगे कि हमने उनको वो कर रखा है,
हमने मतलब कि अभी तक हमने इंस्टीट्यूट ऑफ एक्शन लिया है, जब हम उनको ये कन्विंस कर देंगे कि नहीं हमारे लिए पानी प्रायोरिटी है, हमारे लिए सड़क प्रायोरिटी है, हमारे लिए अभी जन कल्याण के काम कर रहे हैं, तो उनको उनका ध्यान डाइवर्ट और जो पूरा थाना सेक्टर उसमें उसको ये बोल दो वह देख एक ऑर्डर पे ना एक्साइज की कार्रवाई हो जाएगी, अभी सारे सासी बंद करेंगे, और सासी बंद होने का मतलब है कि फिर वो आपका फॉर्मूला चेन स्नैचिंग पड़ जाएगी, ये बन जाएगी, बोल जाएगी क्षेत्र में प्रॉब्लम हो जाएगी। और ये जुआ सट्टा जितने भी हैं हमें कुछ नहीं मतलब दो चीज़ें हैं प्रॉब्लम है उसके लिए बिल्कुल वो छोड़िए ना, आज शाम को एक मीटिंग और भी है, बहुत मोटा बंदा आया है वो थोड़ा वही एक्सरसाइज कर सकता है साइज में तो बहुत मामला मोटा है, सारा दारू पे भी सारा दुनिया चल रहा है, देश चल रहा है सारा यहाँ, क्योंकि कुछ क्या कल बात हुई जैसे कुछ था इसका इंडिकेट। इस वीडियो स्टिंग में ऋतुराज जल बोर्ड के अधिकारियों और एक्साइज डिपार्टमेंट से भी सेटिंग की बात कबूलते दिखाई दे रहे हैं। माथुर एक बार आया था तो अपना आदमी कह रहे हैं ऐसे बातचीत चल रही थी तो पहले क्या सिस्टम था तुम्हारे लिए, तो वो कहने लग गया पहले तो हमको वैसे ही फटीक करवा देती है वो, तो मैंने उसकी बात सुनी थी तो क्या है, क्योंकि जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है ये अनिल झा को मंथली दे रहा था पैसे, कहने वाले तो ये भी कहें कि 7 लाख हो जा रहा है टैंकर के, लेकिन मुझे लगता नहीं कितना होगा इस चीज़ के टैंकरों के, टैंकर का किलोमीटर बढ़ाता है ना ये, हाँ वो बढ़ाते तो टैंकर वाले इनको देते हैं पैसे। आम आदमी पार्टी के विधायक ऋतुराज को मलाल है कि उनके साथ के विधायक जमकर चांदी काट रहे हैं, इनमें राखी बिड़ला का भाई विक्रम का भी जिक्र है, तो आप विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी और संजीव झा का भी जिक्र है। परसों मुझे मालूम चला है कि हमारे क्षेत्र में 30 सट्टा चल रहा है विक्रम बिड़ला, विक्रम कौन राखी का भाई अपने एरिया में उसके बंदे चला रहे हैं, मतलब उनसे 10,000 रुपये लेते हैं साल, सब लग गए हैं संजीव झा अखिलेश पति सब बोलते हैं छोड़ो बहन के फोन को लिखवा दो सकते हैं यार, कि भाई घर बैठाए दिए जाते हैं ये लोग टॉर्चर कर सकते हो करो, तो ऐसे में इनको थोड़ा ऊपर से ही फ्री है मिला हुआ है इनसे देना। दिल्ली दर्पण टीवी पर इस स्टिंग के सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए एक नई आफत का आना तय है। भ्रष्टाचार मुक्त सरकार का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार इस नई आफत से कैसे निपटती है ये देखना अभी बाकी है। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।